पापा इस परिवार के साथ अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहां मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूं। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहता हूं कि अगले 5 साल भी वही रहें, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से हमें आगे लाए हैं, हमें और आगे जाना है, क्योंकि हमारी जो यूथ है उन्हें मोदी जैसे लोगों की जरूरत। तो दोस्तों देखा आपने, सनी देओल बीजेपी में शामिल हो गए हैं, साथ ही हरियाणा में उनको जो पार्टी ज्वाइन करवाया, साथ में हैं निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, और इसी के साथ बीजेपी को बहुत ही बड़ी मजबूती मिली है। जहां तक सनी देओल के पिता धर्मेंद्र ने पार्टी की काफ़ी हेल्प की बीजेपी की, वहीं अभी वर्तमान में मथुरा से सांसद का चुनाव लड़ रही हैं हेमा मालिनी, उनकी माताश्री भी। और दोस्तों अब देखने वाली बात है सनी देओल का खुद का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा बीजेपी पार्टी में। वैसे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल नो डाउट बीजेपी मजबूत हुई है सनी देओल के आने से। और दोस्तों जो भी आपको, जो भी आपके दिमाग में जो भी कमेंट्स चल रहा है, एक बार प्लीज़ आप भी कमेंट्स बॉक्स में हमारे को कमेंट्स लिख के बताएं कि सनी देओल के आने से बीजेपी को कितना फ़ायदा मिल रहा है। प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और दोस्तों आपसे एक छोटा सा निवेदन है, जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल पे नया है, आप हमारे नीचे देखिए लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, प्लीज़ देखिए नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आप प्रेस कर लीजिए, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी आप दबा लीजिए, जिससे जो भी हमारी नई नई वीडियोज़ होंगी वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।